48 है और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ एम्स्टरडैम के रीजनल कोर्ट के रूम नंबर 4 में। आज मिस्टर मीग्रे के ऐतिहासिक फैसले के ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की जाएगी, इसलिए पूरे विश्व के ललित कला के आर्टिस्टों और अखबार वालों की नज़रें इस कोर्ट रूम पर हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोर्ट रूम कभी नहीं देखा जिसकी दीवारें मिस्टर मीग्रे की बनाई हुई पेंटिंग से ढकी हुई हों और दिन रात पहरा दे रहे हों हम जैसे एम्स्टरडैम के सशक्त पुलिस ऑफिसर्स। अंदर बात कर रहे हैं डॉक्टर कोरमैन, कोर्ट के कमीशन के द्वारा बनाए गए चेयरमैन और प्रख्यात आर्ट क्रिटिक। थैंक यू। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट। हावान मिग्रे द्वारा बनाई गई पेंटिंग की सच्चाई जानने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने जो कमीशन बनाई थी उसके प्रेसिडेंट के हैसियत से मैं डॉक्टर पॉल कोरमैन अपनी दलील पेश करता हूँ। योर ऑनर, किसी भी चीज़ को जांचने के लिए जो जो टेस्ट करने पड़ते हैं कमीशन ने उन सारे टेस्टों को किया है, जैसे फ्लूरोसेंट्स, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड टेस्ट के जरिए यह साबित हुआ है कि सारे कैनवासों पर रीपेंट किया गया है, यानी पुरानी पेंटिंग्स को मिटाकर उन पर नई पेंटिंग बनाई गई है। सेकेंडली, माइक्रोकेमिकल में यह साबित होता है योर ऑनर कि ये रंगों के कण जो है वो 17th century के नहीं हैं, यानी वाइट लेड टेस्ट और कोबाल्ट ब्लू टेस्ट के जरिए यह प्रूफ हुआ है कि मिस्टर मीग्रे ने अपनी पेंटिंग में जिस केमिकल का इस्तेमाल किया है उसका आविष्कार वर्मियर के मौत के बाद हुआ था। योर ऑनर, मैं कमीशन की तरफ से निश्चित होकर यह बता देना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी पेंटिंग्स 20th century में बनी है, इसे कतई वर्नियर ने नहीं बनाया है। थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर वर्जनबर्ग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर आप अपनी बात कहिए। मैडम प्रेसिडेंट, मैं अपना गवाह प्रूफ पहले ही कोर्ट में पेश कर चुका हूं। नेदरलैंड्स की बेहतरीन कलाकृतियों ने दुनिया के दरबार में नेदरलैंड का सिर हमेशा ऊंचा किया है। महान पेंटर वर्मियर, रेम्ब्रांड, विंसेंट वैन गॉग जिस धरती पर पैदा हुए थे उसी धरती पर एक ठग, एक प्रवंचक जन्म ले सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। मिलोर, मिस्टर मिग्रे की प्रवंचना ने पूरे विश्व में नेदरलैंड्स का सिर नीचा कर दिया, इसलिए मिस्टर मिग्रे एक देशद्रोही है। मैडम प्रेसिडेंट, हमें यह याद रखना चाहिए कि जब जर्मन यहाँ आकर लूटपाट कर रहे थे, हमारी औरतों का बलात्कार कर रहे थे, हमारे गिरजाघरों को नष्ट कर रहे थे, हमारे ट्यूलिप के बगीचे को जला रहे थे, तब मिस्टर मिग्रे जर्मनी में बैठकर उनके लिए एग्जीबिशन की तैयारी में लगे हुए थे। मिलोर, हो सकता है कि ये पेंटिंग नकली हो, इसे वर्मियर ने ना बनाया हो, इसे मिग्रे ने ही बनाया, फिर भी इस संपत्ति को भेजा गया था उस नाजी नायक गोयरिंग के पास। मिलोर, इस आदमी ने पैसों के लालच में आकर हजारों कला प्रेमियों को ठगा है। इस तरह से एम्स्टरडैम का एक बैगर आज मिलियनेयर आर्ट डीलर बन गया। मैडम प्रेसिडेंट, मिस्टर मिग्रे ने अपनी एक एक संपत्ति का एक एक गिल्डर देश को ठगकर, इंसानों को ठगकर बनाया, इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है मिलोर, इस इंसान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य के लिए एक बड़ा उदाहरण पेश करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर हेंड्रिकस एंटोनियस वॉन मिग्रे, क्या आप स्वीकार करते हैं कि सारी नकली पेंटिंग्स आपकी बनाई हुई है? मैडम प्रेसिडेंट, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि ये सारी पेंटिंग्स मैंने ही बनाई। क्या आपको अपने किए पे पछतावा है? नहीं माय लॉर्ड। क्या आप अदालत से माफी मांगना चाहते हैं?
नो माय लॉर्ड, मैं अपने किए की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और मुझे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर मीग्रे, फैसला सुनाने से पहले अदालत आपको मौका देती है, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट, मैं एक कलाकार हूं और कला से प्यार करके ही मैंने अपनी जिंदगी बनाई है, लेकिन इस समाज ने मुझे मेरी कला को कभी कोई सम्मान नहीं दिया। मैं ये चाहता हूं कि ये दुनिया मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रवंचक के तौर पर याद रखे। माय लॉर्ड, मैं अपनी प्रवंचना अपने पिता हेंड्रिकस मिग्रे को समर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी बनाई हुई आसमान की एक पेंटिंग को फाड़ कर उसके 100 टुकड़े करके मेरे मुंह पर मारे थे। वो टुकड़े नाव बनकर तैर रहे थे एक बच्चे की आंखों में। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता था, इसलिए मेरे सेंट थॉमस स्कूल के टीचर ने मुझे पीट पीट कर 100 बार ये लिखवाया था कि मैं एक नालायक हूं, शून्य हूं, कुछ नहीं हूं, कोई नहीं हूं। माय लॉर्ड, मैं अपनी प्रवचना को समर्पित करना चाहूंगा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आर्ट क्रिटिक स्वर्गीय डॉक्टर अब्राहम ब्रेडियस को, जिन्होंने एक युवा की पहली पेंटिंग एग्जीबिशन में आकर उसे सलाह दी थी कि पेंटिंग छोड़कर कोई और पेशा अपना लो ताकि दो वक्त की रोटी मिल जाए। फिर उसी आर्ट क्रिटिक ने मेरी बनाई हुई नकली वर्मियर की पेंटिंग को असली समझकर रोते रोते उसको प्रूवन सर्टिफिकेट दे दिया था। माय लॉर्ड, मैं अपनी प्रवचना को समर्पित करना चाहूंगा उन सभी आर्ट क्रिटिक्स को जो हर दिन आर्ट जर्नल में लिखते थे कि मेरी पेंटिंग में सब कुछ है मगर ओरिजिनलिटी नहीं है। माय लॉर्ड, वही आर्ट क्रिटिक्स जो जिन्होंने कभी मेरी नकली पेंटिंग को असली समझकर सर्टिफाई किया था, और उन्हीं के सर्टिफिकेशंस की वजह से सरकार ने लाखों लाखों गिल्डर्स देकर वो तमाम पेंटिंग्स खरीदी थी, और तब उन आर्ट क्रिटिक्स ने अपने सर्टिफिकेशन देने के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाकर अपनी प्रोफेशनल फीस ली थी, और आज वही आर्ट क्रिटिक्स उन्हीं पेंटिंग्स को नकली बताकर अपनी प्रोफेशनल फीस ले रहे हैं। क्या यह प्रवंचना नहीं है माय लॉर्ड? माय लॉर्ड, नाजियों के साथ मेरे संबंध को लेकर बहुत चर्चा हुई अदालत में और अखबारों में। यहां तक कहा गया है कि मैंने पेंटिंग बुक हिटलर को समर्पित की, जबकि यह भी साबित हुआ है कि वो सिग्नेचर मेरे नहीं है। माय लॉर्ड, दूसरों की तरह मैं भी नाजियों के किए नरसंहार की निंदा करता हूं। हाँ, निंदा करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं सैल्यूट करता हूं उस छोटे खत वाले इंसान को जिसने सारे लंबे खत के इंसानों के सर पर चढ़कर कहा था कि मेरी तरफ देखो, सर उठाकर मुझसे घृणा करो और मुझे याद रखो। बहुत बहुत छोटी उम्र में अकेलेपन में मुझे यह एहसास होता था कि अगर आपके पास क्षमता और ताकत ना हो तो इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। क्षमता और ताकत का मतलब किसी पर हमला करना तो नहीं है माय लॉर्ड, क्षमता और ताकत का मतलब है आखिरी सांस तक खुद को बचाए रख। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? थैंक यू मिस्टर मीग्रे, अगर ये मान लिया जाए
कि जिंदगी की हताशा और क्रोध की वजह से आपने प्रवंचना का रास्ता चुना, फिर भी ये सवाल रह जाता है कि क्या प्रवंचना केवल आपने पैसों के लालच में किया? माय लॉर्ड, 2 साल तक अदालत के चलते मेरे बाल सफेद हो गए हैं। मुझे पता है कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है। क्या मैं अदालत से एक प्रवंचक की बातों पर विश्वास करने का अनुरोध कर सकता हूं? हाँ, ये बात सच है कि मेरी एक एक पेंटिंग लाखों गिल्डर्स में बिकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन चीजों का दाम नहीं होता समाज में उनका कोई भाव नहीं होता। अगर मैं वर्मियर की पेंटिंग्स का दाम कम रखता तो लोगों को लगता कि ये असली नहीं नकली हैं। लेकिन ये भी सच है योर ऑनर कि मैंने सिर्फ पैसों के लिए पेंटिंग्स नहीं बनाई, और ना ही पैसों की वजह से मेरा वर्मियर से लगाव। माय लॉर्ड मैं स्वीकार करता हूं कि हताशा और गुस्से की वजह से क्रिटिक्स को बेवकूफ बनाने के उद्देश्य से मैंने ख्वाहिश से टिमायूस बनाई थी। हाँ, दिन दिन, रात रात, साल साल वर्मियर को समझते समझते, उनके ब्रश स्ट्रोक्स, उनकी लाइट एंड शेडोज को समझते समझते, उनकी जिंदगी को समझते समझते मैंने आविष्कार किया अपनी खुद की स्टाइल का। कैसे कैसे रंग बनाना है, कैसे कैसे हेयर क्रेक बनाना है, कैसे कैसे रिजरेक्शन होगा वर्मियर का, ये शोध करते करते मैं एक शैतानी कला के प्यार में पड़ गया था। योर ऑनर, शैतानी कला के प्यार। मुझे पता था कि मुझे कोई याद नहीं रखेगा। हर एक कलाकार की ख्वाहिश होती है कि वो अमर हो जाए अपनी कला के जरिए। हर एक कलाकार चाहता है कि हर दर्शक आंखों में आंसू लिए नहीं, बल्कि अपने सर की टोपी उतार कर खड़ा रहे उसकी कला के सामने। हालांकि उन लोगों को पता नहीं है कि ये सारी पेंटिंग्स मैंने ही बनाई। माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि लोग मिगरे को भले ही भूल जाएं मिगरे को, मगर उसकी कला हमेशा अमर रहे। थैंक यू योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एंटोनियो वान मिगरे ने अपनी प्रवंचना के जरिए कलाकार, राष्ट्रीय और